इधर एक साथ हुए हैं, इतना संख्या में जो पार्टी इतना थानसा थानसा चिल्ला रहा है लास्ट फाइट, हम कहीं फाइट करने नहीं आए त्रिपुरा में। एक पार्टी तो आया था खेला होवे खुद ही फुटबॉल बन के चला गया। अब और एक पार्टी बोलता है लास्ट फाइट, क्या लास्ट फाइट? हम जितना दिन जिंदा है हम त्रिपुरा के सेवा करेंगे। आज ये डेपुटेशन क्यों हो रहा है, मेमोरेंडम दे रहा है? हम इस राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जब भी हम हिसाब मांगता है मुंह को सामने बोल देता है थानसा। ये कौन सा हिसाब है, ये कौन सा हिसाब है? अरे मैंने पैसा दिया, पैसा मांगा, पैसा का हिसाब मांगता हूं, बोले थानसा। हम कुछ नहीं सुनेंगे, थानसा करेंगे क्या? चोरी के लिए थानसा करेंगे? चोरी के लिए थानसा करेंगे आप? और हम बैठा रहेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। और हर बार मैं देख रहा हूं कुछ बोलने से बोलता है स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देता। मैं हिसाब लेके आया इस बार, ये लोग तो फाइल देखता नहीं है, खाता और घूमता। मैं हिसाब लेके आया हूं, सीपीएम टाइम में 101.55 करोड़ ये लोग को मिलता था, हमारा टाइम में 1881 करोड़ दिया मैंने। कितना ज्यादा दिया मैंने? 726 करोड़ रुपया ज्यादा दिया है। इसके माने 63% हमने ज्यादा दिया है। 63% पैसा भारतीय जनता पार्टी ने एडीसी में ज्यादा दिया है, फिर भी रो रहा है होता नहीं होता नहीं। जो भ्रष्टाचार करता है उसका कभी होता ही नहीं है। कल मैंने देखा डेप्यूटी सीएम उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपदेश दिखे डीए की भावे बढ़ाना जाए। वाह, उन्हीं हमारे उपदेश दिखे डीए की बढ़ाना जाए, एक सब निजे हिसाब नहीं। अजीब सा बात है। फिर सांबादिक दोस्त ने पूछा आप लोग ने क्या उन्नति किया, उसने क्या बोला? मैंने माधव पारी में एक गेट बनाया। मैं तो बोलता हूं माधव पारी का गेट का नाम ऑन इमेज देवर्मा गेट रख दीजिए। गेट बनाने से हमारा पानी आएगा घर में, हमारा शिक्षा होगा। माधव पारी में गेट बनाए हुई एक डेवलपमेंट इतना पैसा से, पैसा कहां जा रहा है? नौकरी दे रहे हो आप लोग, कैसे इंटरव्यू कर रहे हो? और धागा दिया सूता दीजिए सूता दीजिए, सूता मैंने खरीदा, मैंने खरीदा और लोग ने मारिंग किया, खरीदा मैंने सूता जब एडीसी में कोई नहीं था, सरकार नहीं था, एक साल एडीसी में सरकार नहीं था, स्टेट गवर्नमेंट देखता था। सूता हमी किंची तारा मार से इतनी उन्नति, ये है उन्नति ये लोग का। इसलिए मैं देखता हूं मोटा का आदमी लोग थोड़ा मोटा भी हो गया। कुछ दिन से देख रहा हूं मैं मोटा का बच्चे लोग जो है ईएमसीएम बना है थोड़ा मोटा भी हो गया। आज तक सीएम ने सीएम है हेड एडीसी का, मैंने उसने आज तक एक प्रेस नहीं किया तो डेढ़ साल में उसने क्या काम किया हिसाब ही दिया नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हमें आज अब सुनती ना द सीएम जे निजे के भावे अभी सीएम ऑफ एडीसी वो एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे बोले बोललो ना हमरा एडीसी ते हमरा डेढ़ बछरे की करेछि बोलार किछु नहीं, खाली राजबाड़ीते प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ज्वाइन किया ये ज्वाइन किया वो ज्वाइन किया, ज्वाइन करा करा के छोड़ देता है बकरी जैसा। बहुत आदमी मुझे फोन करता है बोले दादा बोले तुम तो मोथा गए हो अच्छे हो। अरे दादा हमारा अवस्था छागल मत ना इदिगे बीजेपी छाइरा गलम मोथाते एक प्रेस कराइल राजबाड़ी
কিছু মিষ্টি মিষ্টি খাইলো, তারপরে তো আর নাই, মথারা দেখাই নাই। রাজবাড়ি মে প্রেস কনফারেন্স হতা হ্যাঁ, এডিসি মে কিউ নি, হাম ভি সুননে চাতে ক্যা হো রাহা এডিসি মে। ফির অনিমেষ দেববর্মা বোলতা হ্যাঁ, ও তো বহুত ভাষা জানতা হ্যাঁ, কবি হিন্দি বোলতা হ্যাঁ, কবি বাংলা বোলতা হ্যাঁ, কবি কাকুরক বোলতা হ্যাঁ, আর কবি রমেশ ভি বোলতা হ্যাঁ। কাল বোল রা থা 26,000 crore রুপিয়া স্টেট কা বাজেট হ্যাঁ, এডিসি কো ইতনা কম দিয়া, উসকো ইয়েহি সমঝ নি হ্যায় ये 26,000 crore जो बजट हमने बनाया इसमें 45% जनजाति के लिए है। 45% जो है वो जनजाति एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए है। क्यों हमारा पार्टी सहरदा में सोचता है लास्ट मैन फर्स्ट। आरडी में 65% जो खर्चा होता है वो ट्राइबल एरिया में होता है। पॉपुलेशन कितना है ट्राइबल का 31%, 33%, और हम 65% पैसा है आरडी का कहां देते हैं, आरडी में देते हैं, ओनली 35 नॉन एडीसी एरिया में। बजट क्या है वही समझता नहीं है, 1.5 साल हो गया और 26,000 करोड़ का बजट हमको कुछ नहीं मिला, उसको पॉकेट में डालना चाहिए। बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है, बजट कोई पॉकेट मनी नहीं होता है। बजट में जनजातीय एरिया के लिए 42% एग्जैक्टली 42-43% हमने रखा है, रास्ता, स्कूल, ट्राइबल हॉस्टल, ट्राइबल वेलफेयर, एस्पिरेशनल ब्लॉक हमने बनाए हैं। इंडिया में सबसे पहले एस्पिरेशनल ब्लॉक कहां बना है, त्रिपुरा में बना है। और जब कभी कभी सुनता हूं हमारा संस्कृति खराब हो रहा है, हमारे 184 राजा था प्रौद्योगिकियों की बात दिया, मुझे मालूम नहीं है 184 है, 185 होना चाहिए, ठीक ना, बुबागरा बोल रहे हैं फिर 184 गिन रहा है, हिसाब भी ठीक नहीं है। 184 राजा था, एक राजा के लिए हमें कुछ नहीं किया, हमने किया है वीर विक्रमानिक्य एयरपोर्ट, और क्या है पीछे जाके देखिए, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य कल्चरल सेंटर एंड म्यूजियम 40 करोड़ का हम बना रहे हैं, जिसका उद्घाटन करके गया राष्ट्रपति जी ने। विजेंद्र लाइब्रेरी के सामने महाराजा विजेंद्र का मूर्ति अभी लगा है, संस्कृति खराब हम करते हैं। गरिया पूजा के लिए और एक दिन छुट्टी दे दी हमने। ट्राइबल जो है समाजपति लोग के 2,000 रुपए पेंशन हमने दिया है और हम संस्कृति खराब करते हैं। किसी ने ट्राइबल संस्कृति के लिए काम किया, इतिहास के लिए काम किया तो भारतीय जनता पार्टी काम किया, क्यों भारतीय जनता पार्टी भारत का पार्टी है। हम चीन से नहीं आए हैं, ना इटली से आए हैं, हम ना चीन से आए हैं ना इटली से आए हैं। हम जानता है हमारा जनजाति भाई बहन लोग कितना इंपॉर्टेंस देता है अपना कल्चर को, वो कल्चर रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और किसी ने नहीं किया त्रिपुरा में। और आज हम लोग के ऊपर क्या बोल रहे हैं, संस्कृति नष्ट हो रहा है, और जो ये बात कर रहा है ये लोग कांग्रेस में थे पहले, जो ये बात कर रहा है एक दिन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी था, तब तो साहस नहीं किया, तब तो साहस नहीं किया वीर विक्रमानिक्य का नाम में यहां पर दो बोल के, वीरेंद्र किशोर माणिक्य का नाम में एक म्यूजियम बनाओ बोल के बोलने का साहस नहीं था। आज थानसा थानसा बोल रहा है, ये थानसा कोई आदमी, हम भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले ही बोल रहा है, वो बात पहला जाति उलो पार्टी हम पहले से बोल रहा है, ये कोई नया नहीं, हमसे चोरी करके ले गया है ये स्लोगन, हमने दिया है नेशन फर्स्ट समाज प्रथम तारपरे पार्टी, ये स्लोगन हमरा दिसी, स्लोगनो चुरी करे, स्लोगनो तो चुरी करे, देखी निजरा कोनो स्लोगन नाय, आर आंचलिक पार्टी कोनो स्थिति नाय, हमरा चुल सादा एसे अतुल बाबू बोयर जेगेने टीयूजीएस देखसी, आईपीएफटी देखसी, टीएचपीपी देखसी, टीएसपी देखसी, आरो अनेक पी देखसी हमरा,
कोई पीती जो कौन कुताय वेर इज दी आंचलिक पार्टी और बोलते गेले टीयूसी से जन्म तो आमार बाड़ीते हयेछिल आमी रिजनल पार्टी करते पारतम किन्तु आमी जानी रिजनल पार्टी थाके ना एकटा स्लोगान निये आये एकटा स्लोगान निये जाय इटा स्लोगानेर पार्टी काजेर पार्टी ना वन लास्ट फाइट इटा की ब्यापार की युद्ध के विश्व महायुद्ध होइतेछे एनु क्या हो रहा है इधर किसका लड़ाई क्या लड़ाई वन लास्ट फाइट क्या है आदमी लोग ईवीएम से वोट डालेंगे इसमें फाइट क्या है किसके साइड फाइट कर रहे हो आप हमारा साइड करोगे कर सकते हम फाइट वाइट पे नहीं है हम त्रिपुरा सा के साथ है मुख्यमंत्री बोलेंगे अंधेरा हो रहा है दूर दूर जाना है फिर आप लोग से मिलेंगे बात करेंगे इतना बोल के मैं इधर रोकता हूं आप लोग से विदाई लेता हूं वंदे मातरम भारत माता की जय।